हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अभी रिसेंटली एक वीडियो डली है, इस शेयर को जाके देख लीजिएगा। डेट फ्री स्टॉक है, रिजल्ट आया है, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट है और यहाँ पर सारे प्रोस कॉन्स बता दिए गए हैं। इसके अलावा परसों की डेट में एक वीडियो डाली गई थी एस्ट्राजेनेका, इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। शॉर्ट टर्म में अच्छे खासे गेन मिलते हुए नजर आएंगे। और आज की बात करें तो चार्ट ऑफ द वीक या चार्ट ऑफ द डे कुछ भी कह सकते हैं, एक ऐसी शेयर आपके पास लेके आया है जहाँ पर आपको अच्छा खासा गेन फ्यूचर में बनता हुआ दिखाई देगा और अच्छा खासा मल्टीबैगर यहाँ पर आपको शेयर यहाँ पर नजर आएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे। और अगर हम बात करें, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट तक देखने पर क्या होगा कि बीच बीच में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें कही जाती है जो कि जो माइंड में तुरंत तुरंत आती रहती है और तुरंत तुरंत आपको बताया जाता है। तो वीडियो को अगर देखेंगे तो अच्छा खासा आपको नॉलेज मिलती हुई नजर आएगी। पॉल यहाँ पर प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट को गो थ्रू कर लीजिए। और बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके ही आपको कुछ आगे पोजिशन लेनी है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जिस शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। नाम आपको पता चल गई है, अब बात करते हैं काम की कि कंपनी है क्या, कंपनी करती क्या है। आज के अगर बात करें फ्राइडे की, तो यहाँ पर 0.94% यहाँ पर जंप दिखा गया है। 5 डेज का चार्ट पैटर्न देखें, एक बेस में कंपनी चलती हुई नजर आई है, भागी है फिर गिरी है, फिर भागी है फिर गिरी है। तो मतलब अगर बात करें कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। 1 मंथ की बात करें तो ऊपर जाके कंपनी नीचे आई है। 6 मंथ की बात करते हैं तो यहाँ पर शेयर 400 रुपए के साथ 400-450 रुपए चलता था। धीरे धीरे शेयर बढ़ रहा है, बट धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला इसका काम है। 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में यहाँ पर देख सकते हैं अच्छा खासा ये शेयर भागता हुआ नजर आया है। और अगर हम देखते हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके पास सामने है। अगर हम देखें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर बीच में काफ़ी सारे हर्डल्स आपको दिख रहे होंगे कि ऊपर जाके नीचे गया है शेयर और वॉलेटाइल शेयर है। बट अगर फिर भी बात करें तो 27,588% के रिटर्न दिए है और इसे मल्टी बैगर रिटर्न कहते हैं। और 20 साल के अंदर अंदर ये रिटर्न मिले है, तो ये रिटर्न कोई छोटे मोटे रिटर्न नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर बीच में कुछ यहाँ पर गिरावट हुई थी और अभी अगर बात करें कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से यहाँ पर काफी नीचे चल रही है, जो कि आपको फ्यूचर में ऑल टाइम हाई पे जाती हुई दिखाई देगी, जो कि इसके टेक्निकल्स कह रहे हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर और भी कुछ चीजों की, तो 52 वीक लो देख सकते हैं 441 पे था। 52 वीक हाई की बात करें 15 जून को ही यहाँ पर 683 पे 3800 रुपए पे शेयर जाते हुए दिखा। इसके अलावा 52% की डिलीवरी, 153,000 शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पे यहाँ पर उठाए गए हैं, इस चीज को भी आपको देखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंपनी डिविडेंड 2018, 2019, 2020, 2017 में यहाँ पर डिविडेंड, 2016 में डिविडेंड, तो मतलब डिविडेंड तो कंपनी हमेशा देती आई है और धीरे धीरे यहाँ पर इनका डिविडेंड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 54.045% की हिस्सेदारी यहाँ पर प्रमोटर्स के पास है और कोई भी शेयर गिर भी नहीं है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कंपनी के कुछ रिलेटेड, तो कंपनी करती क्या है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कंपनी गोल्ड के बिजनेस में है और गोल्ड के बिजनेस में वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी है। अगर बात करें, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड इज हेडक्वार्टर इन बैंगलोर में एंड इज इन्वॉल्व इन द एक्सटेंसिव ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गोल्ड एंड गोल्ड प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग नेटवर्क विद डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू एक्सपोर्ट। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, ये जो कंपनी काम करती है गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी काम करती है, गोल्ड के प्रोडक्ट्स बनाती हुई, और ये जो मार्केट नेटवर्क है यहाँ पर थ्रू एक्सपोर्ट के थ्रू यहाँ पर कंपनी बेचती हुई नजर आती है, होलसेल के बिजनेस में है एंड डायरेक्ट टू द कंज्यूमर बाय इट्स ओन रिटेल ब्रांड। तो इनका देखिए ब्रांड भी है, एज वेल एज अगर बात करते हैं यहाँ पर ये एक्सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, होलसेल में गोल्ड देते हुए नजर आते हैं। और इट रिफाइंस ओवर 35% ऑफ गोल्ड वर्ल्ड गोल्ड। अगर बात करें दुनिया का जितना भी गोल्ड है, यहाँ बात मैं इंडिया की नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, तो वर्ल्ड में जितना भी गोल्ड है उसका 35% यही कंपनी है जो रिफाइन करती हुई उसे नजर आती है। तो ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बेशक से इसका अभी तक प्राइस नहीं भागा है, बट अगर बात करें लॉन्ग टर्म की, तो ये इस कंपनी ने 28,000% के रिटर्न दिए जो मैंने अभी दिखा चुका हूं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए कंपनी माइनर प्रेजेंस इन माइनिंग, ओके यहाँ पर माइनिंग ये कंपनी करती हुई नजर आती है। कॉन्ट्रैक्ट विद लीडिंग गोल्ड माइनिंग कंपनीज ऑफ सप्लाई ऑफ गोल्ड डोर बार्स। तो अगर हम बात करें गोल्ड के जो बार्स आते हैं, रॉ गोल्ड आता है, उसमें कंपनी काम करती हुई नजर
आती है उनके साथ मिलके कंपनी के साथ। इसके अलावा रिफाइनिंग की बात करें तो रिफाइन में तो 35% वर्ल्ड का है इनका, लार्जेस्ट गोल्ड रिफाइनर इन द वर्ल्ड। अगर बात करें रिफाइंड 900 टन ऑफ गोल्ड इन फाइनेंशियल 20, मतलब अगर बात करें 2020 में ही 900 टन ऑफ गोल्ड इन्होंने रिफाइन किया है, समझ रहे हो इसको। अगर बात करें बुलियन मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई प्रोडक्ट्स, वालकम्बी ब्रांड बुलियन सप्लाई टू लीडिंग बुलियन बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस वर्ल्ड। तो अगर हम यहाँ बात करें बुलियन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब बुलियन का मतलब क्या होता है, तो आप जो जैसे कि एक तो होती है ज्वेलरी जिसमें आपको नक्काशी करके या फिर चेंजेस करके दिए जाते हैं, बुलियन का मतलब होता है जो सिक्के होगा, या फिर यहाँ पर बात करें ब्रीक होती है जो गोल्ड की उसे कहते हैं बुलियन, बुलियन बुलियन अगर बात करें बुलियन गोल्ड उसे कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें वालकम्बी ब्रांड्स के थ्रू इन्होंने वर्ल्ड बैंक्स एज वेल एज सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस वर्ल्ड यहाँ पर ये सब दिया है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर गोल्ड गोल्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, लार्जेस्ट गोल्ड ज्वेलरी एंड गोल्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में यहाँ पर गोल्ड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में भी नंबर वन है, सबसे बड़े है। होलसेल ऑफ गोल्ड प्रोडक्ट्स की बात करें तो होलसेल प्रेजेंस इन इंडिया एंड मिडल ईस्ट और इंडिया में है, वेयर इट सप्लाई ज्वेलरी ऑफ 55,000 प्लस शोरूम्स डायरेक्टली। मतलब बात करें मिडिल ईस्ट और इंडिया में 5,000 प्लस स्टोर्स पे यहाँ पर ये ज्वेलरी देते हुए नजर आते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड प्रोडक्ट्स, अगर बात करें यहाँ पर इनके गोल्ड प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट भी होती है थ्रू आउट द वर्ल्ड। रिटेल ऑफ गोल्ड प्रोडक्ट्स की बात करें, रिटेल प्रेजेंस अंडर ब्रांड, अगर हम बात करें इनका जो इनकी खुद की एक ब्रांड भी है, जैसे यहाँ पर तनिष्क हो गया, कल्याण ज्वेलरी होगी, इसी तरीके से यहाँ पर अगर बात करें कर्नाटक इंडिया में यहाँ पर इनके शुभ के नाम से यहाँ पर अच्छे खासे इनके ब्रांड है। ओके, ऑपरेट्स 83 शोरूम है केवल यहाँ पर कर्नाटक की बात हो रही है। और जैसे जैसे ये ग्रो करेंगे, जो कि आगे यहाँ पर लिखा भी है, आगे जैसे जैसे ग्रो करेंगे तो यहाँ पर ये इनके शोरूम बढ़ेंगे, और जब एक बार शोरूम बढ़ेंगे तो अच्छा खासा पैसा इनका बनेगा। अगर यहाँ पर देखिए प्रेजेंटली कंपनीज बुलियन बिजनेस अकाउंट 70, इनका जो बिजनेस जो ये कंपनी करती है उसका 75% जो आता है रेवेन्यू आता है ना, वो कहाँ से आता है, जो ये बुलियन बिजनेस से आता है। बुलियन बिजनेस ऑलरेडी हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा 24% होलसेल बिजनेस है, जो यहाँ पर गोल्ड दूसरी ब्रांड्स को देते हुए नजर आते हैं, होलसेल यहाँ पर करते हैं, एज वेल एज इनके जो खुद के शोरूम है जो ये ऑपरेट करते हैं, जो 83 शोरूम है वहां से केवल 1% का बिजनेस आता है। और जैसे जैसे ये ऑपरेट करेंगे ना यहाँ पर धीरे धीरे ये अक्रॉस इंडिया अक्रॉस वर्ल्ड यहाँ पर ये अगर शुभ ज्वेलर्स को लेते जाएंगे तो याद रखिएगा ये बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो कि यहाँ पर इनका प्लान भी चल रहा है। इट प्लान्स टू एक्सपेंड इट्स रिटेल ऑपरेशन सो दे अकाउंट फॉर अबाउट 20% ऑफ टोटल रेवेन्यू इन द नेक्स्ट 6 ईयर। अगर बात करें 6% मतलब 6 साल में ही 20% का जो इनका रेवेन्यू आएगा, अभी कितना आ रहा है 1%, और आने वाले टाइम में ये कोशिश कर रहे हैं कि 6 साल के अंदर अंदर ये 1% 20% में चेंज होगा। जब ये 20% में चेंज होगा तो इनके रेवेन्यू एंड सब चीज यहाँ पर चेंज होती हुई नजर आएगी। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, एक तो नंबर वन है और इनके जो सबसे ज्यादा पैसे आते हैं इसी चीज से आते हैं, बट एक बार मैन्युफैक्चरिंग जब करना शुरू कर देंगे यहाँ पर, जब इनके बिजनेस शुभ स्टोर्स ऑल अराउंड इंडिया दिखेंगे, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर जो इनका बिजनेस का रेवेन्यू और ये सब चीज नेट प्रॉफिट है ये ऑटोमेटिकली बढ़ता हुआ नजर आएगा आने वाले टाइम में। यहाँ पर ज्योग्राफिकल प्रेजेंस भी देख लीजिए, यहाँ पर ये 29% यूरोप से आता है, इंडिया में 19%, अमेरिका में 80%, मिडल ईस्ट में 14%, फार ईस्ट 13%, चाइना में 77%। तो यहाँ पर ये कंपनी इस तरीके से काम करती हुई नजर आती है। इस कंपनी के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हैं इनकी वेबसाइट पर जाके और यहाँ पर से भी। मार्केट कैप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए मिडिल स्मॉल कैप कंपनी है, 17,132 करोड़ का मार्केट कैप है, पीई 20 के पीई पे मिल रहा है, आरओसी की बात करें 7.43% की आरओसी है, डेट की बात करें ना के बराबर डेट है, और प्लेज की बात करें कोई भी यहाँ पर प्लेज नहीं है। एज वेल एज अगर हम बात करते हैं यहाँ पर और भी कुछ चीजों की तो क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लीजिए, 43,927 करोड़ रुपीज से लेके धीरे धीरे इन्होंने यहाँ पर 64,523 करोड़ की सेल्स हो गई है, और ये अगर बात करें यहाँ पर सितंबर में 102,150 करोड़ रुपए की सेल्स थी, तो यहाँ पर धीरे धीरे बीच में अच्छा खासा यहाँ पर कंपनी बिजनेस भी करती हुई नजर आती है, इस बात को भी ध्यान दीजिए। बट फिर भी अगर बात करें कंसिस्टेंसी है, और यहाँ पर बीच में अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सब पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन था, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस वर्ल्ड का चल रहा है,
रहा है, इस वजह से यहाँ पर गिरावट आई है, वरना ये कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट देने वाली, कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कंसिस्टेंट नेट प्रॉफिट देने वाली कंपनी है। बट स्टिल अगर बात करें, कोई भी ऐसा क्वार्टर नहीं रहा जहाँ पर ये नेगेटिव रही है, इवन यहाँ पर पेंडेमिक के टाइम पे भी। और अगर हम बात करते हैं ईयरली बेसिस पे, तो ईयरली बेसिस पे यहाँ पर परफॉर्मेंस देखिए कि 2013 में 31,226 करोड़ की सेल्स थी, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर अभी 258,313 करोड़ की सेल्स में तब्दील हो गया है, जो कि हाईएस्ट एवर है इनके पूरे साल। अगर बात करें पिछले 7-8 साल की, और अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, वो भी बढ़ते बढ़ते 982 करोड़ हो गया है, जो कि हाईएस्ट एवर तो नहीं कहेंगे, बट धीरे धीरे यहाँ पर जैसे अनलॉकिंग शुरू हो रही है, सब कुछ बिजनेस लाइन पे आ रहा है, और यहाँ पर अच्छा खासा बिजनेस कंपनी करती हुई नजर आएगी। नेट प्रॉफिट की बात करें, अच्छा खासा ही प्रॉफिट है, नेगेटिव नहीं है, सबसे मेन बात है। और जैसे कि यहाँ पर दे रखा था, देखिए इनका जो बुलियन बिजनेस है, बुलियन बिजनेस का मतलब क्या है, आप अभी किसी भी शॉप पे जाएंगे और शॉप पे आप अगर मांगेंगे ब्रिक, ओके, या गोल्ड की ब्रिक मांगेंगे, या फिर अगर बात करें यहाँ पर बुलियन जो आप सिक्के मांगेंगे वो आपको सस्ते मिलेंगे, बट आप ज्वेलरी मांगेंगे तो ज्वेलरी यहाँ पर आपको थोड़ी महंगी मिलती है, क्योंकि उसकी मेकिंग चार्ज भी होता है, सब चीज होता है, उस बिजनेस में ज्यादा फायदा है एक्सेप्ट अगर बात करें बुनियन की। तो इसलिए इनका 1% केवल किससे आता है, अगर बात करें यहाँ पर 1% तो कुछ भी नहीं होता, और 1% का बिजनेस से रेवेन्यू आ रहा है रिटेल से, बट जैसे ही रिटेल को ये 20% कर देंगे तो यहाँ पर धीरे से यहाँ पर जो 6 साल के अंदर अंदर वृद्धि आएगी, जो इंक्रीज में इंक्रीमेंट होगा यहाँ पर, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा, 20 times का मतलब समझ रहे, 20 times बहुत ज्यादा होता है। जैसे ऐसे स्टोर्स खुलेंगे, जैसे ऐसे अराउंड द इंडिया ये कम करते हुए नजर आएंगे, ज्वेलरी बेचते हुए नजर आएंगे बुलियन की जगह, बुलियन प्रोडक्ट्स की जगह, तो ये कंपनी अच्छा खासा और आगे जाके परफॉर्म करेगी। तो गोल्ड के बिजनेस ऑलरेडी चल रहे हैं, बहुत सारे शेयर भाग चुके हैं, बट ये शेयर का भागना अभी बाकी है। इसके अलावा हम बात करते हैं रिजर्व्स की, 11,000 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स है। बोरिंग की बात करें तो देखिए, बोरिंग ये कंपनी के पास बहुत ज्यादा थी, 8,000, 6,000, फिर धीरे धीरे करके इन्होंने अभी एक बोरिंग बिल्कुल कम कर दी, जिसकी वजह से यहाँ अगर बात करें इंटरेस्ट इनका अच्छा खासा जाता था, और इस बार तो इंटरेस्ट जीरो गया है, तो यहाँ पर अगर बात करें अब इंटरेस्ट जाना कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद कंपनी अच्छा खासा जो इंटरेस्ट में पैसे देती थी वो इनके नेट प्रॉफिट में ऐड होते हुए दिखाई देंगे। फिक्स एसेट की बात करें, 1447 करोड़ की फिक्स एसेट है, 12 करोड़ का इनका वर्किंग प्रोग्रेस में पैसे है, इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ के आसपास है, कैश की बात करें 2000 करोड़ के कैश भी है। इसके अलावा बात करें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यहाँ पर इस बार का ऐड हुआ नहीं है, बट अगर हम बात करें आरओसी ही, आरओसी अच्छी खासी थी, अभी बीच में यहाँ पेंडेमिक की वजह से कम है। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर देखिए प्रमोटर्स अच्छी खासी यहाँ पर इनकी होल्डिंग नजर आती है, 54.05% की हिस्सेदारी है, पहले 54.03 थी, 4 की 5 कर दी है, तो धीरे धीरे कुछ ही सही 0.01% की, बट धीरे धीरे यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। FIIs की बात करें, FIIs के पास इनके पास 16.89 लगभग 17% की हिस्सेदारी है। DIIs की बात करें, DIIs अपनी हिस्सेदारी कंटिन्यूसली बढ़ा रही है, 5% से 9% कर लिया है इस क्वार्टर में। अगर बात करें पब्लिक की, तो पब्लिक के पास यहाँ पर 19% दिखा रहा है, बट ये 19% नहीं है, ये केवल 2.something% है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें 4% ये है, 4% ये है, 4% ये है, 2% ये है, 2% ये है, अगर इसे भी आप कैलकुलेट करेंगे तो 16-17% यही आता है, तो लगभग 2% के आसपास की हिस्सेदारी पब्लिक की। और जब ऑपरेटर इस स्टॉक को भगाएंगे तो अच्छा खासा भगाएंगे, जो कि अभी आपको यहाँ पर हम बात करें इसके टेक्निकल्स में भी आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अच्छा खासा एक चार्ट पैटर्न बनता है, वो पहले यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बना था, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक मिनट, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए एक कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आया था, जो कि यहाँ पर ये है, एक यहाँ पर एक कप बना, उसके बाद यहाँ पर एक हैंडल बनता हुआ नजर, यहाँ पर ही बन गया था हैंडल, बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं एक हैंडल बना, और जो इसके टारगेट नजर आते हैं, तो इसके टारगेट यहाँ पर देखिए, इसके टारगेट अच्छे खासे नजर आ रहे थे, जो कि ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इतना टारगेट नजर आ रहा था, और यही टारगेट लगभग अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके के जब टारगेट बनते हैं ना, तो ये अचीव होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, देखिए यहाँ पर ही अचीव हो गया था, यहाँ ब्रेकआउट आना था, बट ब्रेकआउट यहाँ पर दिया नहीं। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर भी एक बार मीट हो गया था, तो ऊपर जाके अगर हम देखें तो यहाँ पर ऊपर ही ब्रेकआउट था, तो ऊपर इधर से ही चला जाता, बट यहाँ पर ऑपरेटर थे या जो बड़े बड़े लोग थे जो इस बिजनेस को समझते हैं, उन्होंने यहाँ पर नीचे लाया, और नीचे लाके यहाँ पर
और माल उठाया और जिन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना था उन्होंने किया, जो यहाँ पर बुक करना चाहते थे उन्होंने यहाँ दोबारा प्रॉफिट बुक किया। बट यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर भी देखिए माल भरा गया और दोबारा यहाँ पर माल भरने के लिए ही ऑपरेटर यहाँ पर आए हैं। और अगर हम बात करें इसके थ्रू तो देखिए दोबारा एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अगर हम यहाँ पर इसे हटा देते हैं जो कि ऑलरेडी अचीव हो गया, तो दोबारा एक अच्छा खासा चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर रिवर्स हेड एंड शोल्डर बनता हुआ नजर आ रहा है। एक देखिए यहाँ पर एक शोल्डर बना, ओके, फिर इसके बाद यहाँ पर एक इसका हेड बना है और फिर इसके बाद यहाँ पर दोबारा से शोल्डर बनता हुआ नजर आ रहा है। और एक बार यहाँ पर जाएगा फिर अगर नीचे आ जाता है समझ लीजिएगा माल भरने के लिए ले जा रहे हैं, क्योंकि बिजनेस बड़ा प्रॉमिसिंग है, यहाँ पर अच्छा खासा है, आप जितनी क्वांटिटी उठाना चाहे उठा सकते हैं। बट बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी करके ही यहाँ पर इस शेयर को लेना है। और कंसिस्टेंस प्रॉफिट दे रहा है ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे, तो ये चीजें आपको समझनी होगी। इसके टारगेट की अगर हम बात करें, इसके थ्रू जो टारगेट नजर आ रहा है तो इसका टारगेट नजर 840 और अभी 822 रुपए के आसपास टारगेट नजर आ रहा है। और अभी अगर हम प्रीवियस से बात करें तो कितने परसेंट के रिटर्न बनते हैं, तो ये परसेंट के रिटर्न बनते हैं लगभग 40-41-42% के रिटर्न ये बनते हैं। प्लस में अगर हम बात करें इसका जो ऑल टाइम हाई है वो भी लगभग इसी के पास है। और यहाँ पर जाके चीजें रुकेंगी नहीं, नीचे आके दोबारा ऊपर जाएंगी क्योंकि बिजनेस का अच्छा खासा है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करिएगा, कंपनी अच्छे खासे बिजनेस में, 6 साल का आपको विजन बता दिया है कंपनी किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरे वीडियोस को देखिए, दूसरे लोगों को हमारे चैनल के साथ कनेक्ट कराए ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।